हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी मामा अर्थ ओनियन कंडीशनर के बारे में। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्राइस क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल गैंसीबी पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस कंडीशनर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस कंडीशनर का फायदा क्या है, आखिर किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। 250 ग्राम की क्वांटिटी में है ये कंडीशनर। इसका प्राइस है 349 रुपया। आप इसे किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या फिर ऑनलाइन से बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। खास करके इस कंडीशनर का प्रयोग हेयर फॉल के लिए किया जाता है। हेयर फॉल को ये कंडीशनर कंट्रोल करता है। पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है ये कंडीशनर। डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है। फॉर ऑल टाइप हेयर के लिए है ये कंडीशनर। इस कंडीशनर में ओनियन और कोकोनट मिलाया गया है जो हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यदि आप अपने बालों में इस कंडीशनर का अप्लाई करते हैं तो ये आपके हेयर में नमी बरकरार रखने में हेल्प करती है। इससे बाल स्मूथ सॉफ्ट तो होते ही है और बालों को मैनेज भी करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आप अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो उलझे बाल आसानी से सुलझ जाते हैं। कंडीशनर में मौजूद सामग्री उलझे बालों को आसानी से सुलझाने में हेल्प करते हैं। यदि आपके भी बाल झड़ते हैं, आपके भी बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, बाल उलझते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं में इस कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, कब कंडीशनर को लगाना चाहिए? आमतौर पर कंडीशनर को अपने बाल धोने के बाद ही लगाया जाता है। इसे कुछ मिनट तक छोड़ दिया जाता है ताकि यह गहराई में आपके बालों तक पहुँचे और बालों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करे। कंडीशनर लगाने के बाद 1 से 3 मिनट के बाद आप अपने बाल को धो सकते हैं। इस कंडीशनर की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बालों को मुलायम रेशमी चमकदार बनाने के लिए इस कंडीशनर का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपके भी बाल बहुत ही ज्यादा उलझते हैं, जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं तो बाल बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं और टूटते हैं और आपको दर्द होता है, तो आप इन समस्या में इस कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।